आगे बढ़ते हैं। रूसी सेना को यूक्रेन आर्मी का करारा जवाब मिला है। जी हां, यूक्रेन के माइकोलाइव में रूसी सेना को निशाना बनाया गया है। रूसी सैनिक वाहन को तबाह किया गया है, धू धू कर जली है रूसी आर्मी की गाड़ी। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरीके से रूसी आर्मी का ये वाहन है जो धू धू कर जला। इसी तरीके से यूक्रेन की सेना लगातार पलटवार रूसी सेना पर कर रही है, क्योंकि रूस की तरफ से हमले तेज हो चुके हैं और अब यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब रूस की सेना को दे रही है। तस्वीरें आप देखें, ये यूक्रेनी टैंकर वाहन जिसको भारी नुकसान पहुंचा है, आग की लपटें में नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि हम ना तो झुकेंगे और ना ही रुकेंगे, जो आप कर रहे हैं उसका पलटवार, उसका जवाब दिया जाएगा। और देखिए, यूक्रेन से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। शॉपिंग मॉल पर हमले का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। कीव के शॉपिंग मॉल पर रूसी सेना ने हमले किए थे, हमले की दिल दहला देने वाली ड्रोन तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल ही शॉपिंग मॉल पर हमला किया था रूस ने और अब रिहायशी इलाकों पर भी हमला करने लगा। ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ये ली गई तस्वीरें हैं किस तरह से एक शॉपिंग मॉल पर रूस की ओर से हमला किया गया, जिस वक्त वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे और बड़ी तबाही इस हमले के बाद वहां हुई है। तस्वीरें देखिए, मिसाइल अटैक की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाका, शॉपिंग मॉल, तमाम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए हुए थे जब रूस की तरफ से ये अटैक, मिसाइल अटैक किया गया। भारी नुकसान हुआ है, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं, रेस्क्यू भी वहाँ पर किया गया है। रूस ये कह रहा था कि वो रिहायशी इलाकों पर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन अब लगातार जो तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरीके से रूस इसी और इन्हीं जगहों पर अटैक तेजी के साथ कर रहा है।